हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू क्रैक क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर ट्राइंगल. इज इट क्लियर? सो लेट अस फोकस ऑन द फिगर. सो इन द फिगर इट इज सेड दैट AD इक्वल टू BC. सो AD इज इक्वल टू BC एंड DAB, दिस DAB इज इक्वल टू CBA, दिस एंगल. ओके, now if you see focus in this figure, you can find two triangles. One triangle is ABD, another triangle is ABC, and both the triangles share the common base. So I have made both the triangle separate. मैंने दोनों फिगर को, दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया. तो बच्चों ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है. तो मतलब ये फिगर में से मैंने दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये ए बी है, ये भी ए बी है. सो दिस साइड इज दी कॉमन साइड. ओके, एंड यू हैव गॉट दिस एंगल अप एंड दिस एंगल डाउन. सो दिस बोथ द एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो पहला काम आपको करना है बच्चों, नंबर वन, you have to prove that triangle ABD, that is upper triangle, is congruent to the lower triangle BAC. Congruent yani identical. Okay, let us start. So I will write in triangle ABD and triangle BAC. So tell me कौन कौन सा part equal है बच्चों. यहाँ देख के बताइए, मैंने दोनों triangle को अलग कर दिया. सबसे पहले this AD is equal to BC, given this angle A is equal to angle B, it is given this angle A and angle B, and AB is equal to AB common. So this is side, this is side. तो मैं इसको S लिख के इसको मैं S dash लिखता हूँ बच्चों, तो थोड़ा सा जानने में अलग रहेगा. ठीक है ना, you can differentiate. So by the criteria SAS, both the triangles are congruent. तो शुरू करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे बोलिए. सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू बी सी, सो दिस इज गिवन. एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, अगेन दिस इज गिवन. ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज common. So you can say that triangle ABD is congruent to triangle ABD. तो बच्चों ABD में track बताइए क्या है. ABD में track S dash side से this side, तो S dash side से this side. So name should be BAC. तो बच्चों order is very important. BAC, this criteria you can call SAS. Okay, my dear students. तो नाम नेम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो नेम कैसे करते हैं, ABD, S dash to blank side, because this side has no, indication. So you can call this as a blank side. तो यहाँ भी S dash से blank side. तो लिखेंगे BAC. I have written BAC. The order is very important. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज नंबर टू. नाउ यू नो दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर अदर थ्री फीचर्स विल बी सेम. सो विच आर द थ्री फीचर्स, वी हैव यूज्ड टू साइड एंड वन एंगल, वन साइड इज लेफ्ट. सो आई कैन से दैट डी बी इज इक्वल टू ए सी. तो यू कैन राइट माय डियर स्टूडेंट्स बी डी इक्वल टू ए सी, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन राइट सी पी सी टी. नाउ थर्ड, वन एंगल आई हैव यूज्ड हियर. So other two angles are equal. Which other two angles are equal? Angle, you see, यहाँ से देखिए, नाम से देखिए, angle A is equal to angle B. ये angle A और ये angle B equal. यहाँ जो match होता है बच्चों उसी को बोलना है आपको. यहीं से पता चलेगा which angles are equal. Angle B equal to angle A. Where is angle B? So this is angle B, my dear students. Where is angle A? This is, see, angle B is this angle, this angle. Angle A, एंगल ए इज दिस एंगल, ये पूरा एंगल है एंगल ए. तब क्या बोलेंगे बताइए. तो ये पूरा एंगल का नाम क्या होगा, बी ए डी.
एंगल बी, पहले मैंने ए बी डी ऊपर का ट्राइंगल लिखा, तो ऊपर के ट्राइंगल में, एक मिनट, ऊपर के ट्राइंगल में बी मतलब बच्चों होता है ये एंगल ए बी डी, तो यू कैन राइट ट्राइंगल एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी हो गया ए, सो नीचे के ट्राइंगल में ए एंगल ये होगा बच्चों बी ए सी, तो यू आर गेटिंग द सेम एंगल बी ए सी, दिस इज सी पी सी टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स देनो हो गया, तो यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद सी पी सी टी की मदद से बाकी दोनों फीचर्स को सेम कर देना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो काइंडली कॉल करिए, एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।